मात्रा देखो जरा पास्ता की, 4 से 5 किलो जो पास्ता है वो एक टाइम पे बनाया जाता है। और प्यार देखो आंटी ने कितना सारा डाला भाई इसमें, ये देखो क्रीम की तो जो मात्रा है ना। डू यू लाइक दैट मेयोनीज ऑन टॉप? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जैसे वो पंजाबी चाइनीज होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके का। तो आइए आपको लेके चलते हैं ऐसी आंटी के पास जो कि करोल बाग में पिछले 5-6 सालों से सिर्फ पास्ता बेचती हैं, और पास्ता भी कोई ऐसा वैसा नहीं, ये बनाती हैं एक टाइम पे लगभग 5 से 7 किलो पास्ता। जी हाँ, इसकी प्रिपरेशन देख के ना आपके मुंह में बहुत सारा पानी आने वाला है, और अगर आप ये वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे ना तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। जितनी देर इनका पास्ता बनने में लगती है ना, उससे जल्दी इनका जो पास्ता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो आइए चलते हैं, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही जबरदस्त वीडियो है ये। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है जी आपका स्वाद ऑफिशियल पे। मैं हूँ गौरव और हम इस समय है करोल बाग। ये मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 1 है, और यहाँ से जब आप आएंगे तो सामने आपको ये जूस कॉर्नर दिखता है, कूल पॉइंट, और उसके बिल्कुल नीचे ये आंटी हैं जो पास्ता बनाती हैं बहुत सारी मात्रा में। बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड किया कि भाई अगर आपको पास्ता खाना है तो आप इनके पास जाके देखिए कितने सारी मात्रा में पास्ता बनाती हैं, कैसे प्रिपरेशन करती हैं, और क्यों इनका जो पास्ता है देसी पास्ता वो इतना ज़्यादा खास है। तो भाई हम आपकी रिकमेंडेशन पे पहुंच चुके हैं। ये देखो भाई, ये बना रही हैं बढ़िया एकदम पास्ता, और मैंने सुना है कि जो लॉट है ये हर 10-15 मिनट के बाद नया तैयार होता है, और ये सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जो प्रोसेस। तो भाई ये देखिए, अब हम आए हैं आंटी का फेमस पास्ता खाने के लिए, और देखिए ज़रा कितनी सारी मात्रा में जो यहाँ है। तो ये देखो भाई, तो ये लगभग है जी 4 से 5 किलो पास्ता जो इसके अंदर जाता है कढ़ाई के अंदर, और बहुत दूर से लोग खाने आते हैं इनका पास्ता, क्योंकि जिस तरीके का ये देसी पास्ता बनाती है ऐसा पास्ता दिल्ली में तो और कहीं नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में जाके बताइए कहाँ पे। तो देखिए कितनी सारी मात्रा में जो है वो पहले पास्ता डालते हैं, उसके बाद ये सीजनिंग डाली जाती है, पास्ता सीजनिंग है। और उसके बाद ये कैप्सिकम डाली गई इसमें, बिल्कुल देसी स्टाइल पास्ता है जो इटालियन पास्ता आप खाते हैं उससे बिल्कुल हटके है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वाद है। ये जो कढ़ाई आप देख रहे हैं जिसमें ये पास्ता बनाया जा रहा है, दिस टेक्स अराउंड 10 मिनट्स, और 10 मिनट में जब ये पास्ता बनता है उसके शायद 10 मिनट के बाद ही सारा जो पास्ता है वो ख़त्म हो जाता है, लोगों की लाइनें लगना शुरू हो चुकी है। और ये डाल रहा जी मैगी मसाला, देखो कितनी सारी मात्रा में। आंटी कितने पैकेट डाल रहे हो? 10। और ये देखो कितनी सारी इन्होंने चिली सॉस डाली इसमें, बहुत ही बढ़िया भाई। तो ये जो प्रिपरेशन आप देख रहे हैं बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट है, और आंटी का जो हाथ है वो एकदम सदा हुआ है, क्योंकि इनको पता है कि कितनी मात्रा में क्या चीज़ डालनी है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवर हो जाए, चाहे नमक की बात करें, चटनी की बात करें, स्पाइसी लेवल की बात करें, हर चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि बहुत सालों से आंटी ये काम करती आई हैं और बहुत सारे फ़ैन हैं इनके। और अब होगी जी इसकी मिक्सिंग, ये देखिए। तो ये पूरे प्रोसेस में 7 से 10 मिनट लगते हैं, और जो पास्ता है वो इतना ज़्यादा बढ़िया है कि लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन लगाना शुरू कर दी है। ये देखिए ये सारे लोग खड़े हैं अपनी नंबर के लिए कि हमारा नंबर जब आएगा तो हम अपनी प्लेट ग्रैब करेंगे। ये है इनकी स्पेशलिटी, और बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल है, कोई इसमें इटालियन ना सीजनिंग है ना इसके अंदर कुछ ऐसा जो आप पास्ता जिसको हम डिफाइन करते हैं वो है, बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वाद है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। थोड़ी सी और डलेगी जी, मोमोज वाली चटनी है ये जो इसमें आंटी डाल रही है, चटपटा होता है एकदम करारा। सो ये देखिए भाई कितना बढ़िया जो पास्ता है यहाँ पे आंटी ने तैयार कर दिया, और मात्रा देखो जरा पास्ता की, 4 से 5 किलो जो पास्ता है वो एक टाइम पे बनाया जाता है, और इसमें से लगभग निकलती है 60 प्लेट। देखिए भाई ज़रा क्या बढ़िया तरीके से मिक्स कर रही हैं, और कितने एक्सपीरियंस है इनको ये काम करने में, क्योंकि बहुत सालों से ये काम कर रही है। और आपको मैं लाइन दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए लाइन लगनी शुरू हो चुकी है लोगों की यहाँ पे पास्ता के लिए। और ये देखिए पास्ता हो चुका है तैयार, और यहाँ पे आंटी ने प्लेट करना शुरू किया है, और उसको सर्व किया जाता है ऊपर बहुत सारी मेयोनीज के साथ। ये देखो
से कर। ये देखिए इस पर कितनी सारी इन्होंने ऊपर से मेयोनीज डाली है, उसके बाद ओरिगैनो डाला है, उसके बाद कुछ थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग डाली है। भाई आप कब से आ रहे हो? पाँच छः साल से खा रहे हो आंटी से पास्ता? ऐसा क्या खास है आंटी के पास्ते में? यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, अलग है। अच्छा, और घर वालों के लिए भी पैक करा के लेके जाते हो, खुद ही खाते हो? नहीं नहीं, घर वालों के लिए ले जाता हूँ। ठीक है भाई, ये ऐसा करते रहना और इसी तरीके से आंटी को सपोर्ट करते रहना। तो भाई देखो कितनी सारी जो भीड़ है वो लगना शुरू हो चुकी है आंटी का पास्ता खाने के लिए, और साथ में यहाँ पे मोमोज भी मिलते हैं, और मोमोज भी मैंने सुना है इनके बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे लोग खाने आते हैं इनका मोमोज भी। तो ये देखिए 10 मिनट के अंदर पास्ता तैयार हो गया, और हार्डली 10 मिनट के अंदर जो इनका पास्ता है वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ और लोग मिले हैं जो कि पास्ता इंजॉय कर रहे हैं। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, बिकॉज मैं बिल्कुल पास में रहता हूँ। अच्छा, एंड मैं यहाँ का बहुत बड़ा फैन हूँ, बिकॉज यहाँ का जो पास्ता बिल्कुल डिफरेंट है एंड बिल्कुल देसी है। 40 रुपीज के अंदर अगर पूरी इतनी बड़ी प्लेट आप लोगों को मिल रही है तो आई थिंक वर्थ इट है, राइट? हाँ, एब्सोल्युटली। आप कब से खा रहे हो यहाँ पे? पता नहीं, शायद 6 महीने से। बढ़िया लगता है एकदम आपको? सेक्सी। तो सेक्सी, क्या बात है। आंटी का पास्ता तो फेमस है ही है, साथ में भाई के मोमोज भी बहुत क्रेजी हैं, और चिकन मोमोज हैं, पनीर मोमोज है, वेज मोमोज है। चिकन मोमोज हाफ आपको 30 के मिलेंगे, पनीर मोमोज भी 30 के हैं, और वेज मोमोज 20 के। तो एक प्लेट में कितने पीस होते हैं? 10 पीस और हाफ में 5। कितने की है चिकन की प्लेट? 50। और पनीर? 50। और वेज? 40। 40 रुपये में 10 पीस वेज मोमोज, 50 में पनीर और चिकन। बहुत बढ़िया। तो भाई ये देखिए, ये है हमारे पास्ता की प्लेट, 40 रुपये की हाफ है, और ज़रा क्वांटिटी देखो, और ऊपर से मेयोनीज देखो, और उसके बाद चटनी देखो, और उसके बाद सीजनिंग देखो। अभी भाई ने बोला कि भाई जैसे हमारे पंजाबियों में मक्खन और घी की कंजूसी नहीं होती ना, वैसे इस प्लेट के अंदर मेयोनीज और चटनी की कंजूसी नहीं होती। भाई कितनी सारी मात्रा में, मुझे पता है ये देख के आपके मुँह में बहुत सारा पानी आ रहा है। तो आइए टेस्ट करते हैं। ये है वो पास्ता की प्लेट जिसके लिए यहाँ के लोग इतने ज़्यादा क्रेजी हैं, इतने ज़्यादा दीवाने हैं, और इतने ज़्यादा पागल हैं, कहते हैं कि भाई ऐसा पास्ता हमें नहीं मिलता, हमें नहीं पसंद कि इटालियन पास्ता जाके खाएं, हम तो भाई देसी बंदे और देसी ही पास्ता खाएंगे। और ये पास्ता डिफाइन करता है देसी को, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आपने देखा कितनी सारी मात्रा में आंटी ने इसके ऊपर मेयोनीज क्रीम डाली है, उसके बाद ओरिगैनो डाला है, उसके बाद लाल वाली चटनी डाली है, उसके बाद बहुत सारा प्यार भी डाला है। तो आइए इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसा इसका स्वाद है। वाह, अभी अगर मैं बात करूं देसीपन की तो कूट कूट के इसके अंदर देसीपन भरा हुआ है, और बहुत ही बढ़िया पास्ता है। अब इसको पास्ता कह लो, इसको खिचड़ी कह लो, इसको कुछ भी कह लो, लेकिन ओवरऑल जो भी है बहुत ही गजब है। और ये जो रश आप देख रहे हैं, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इस चीज़ का सबूत है कि क्यों आंटी इतनी ज़्यादा फेमस है। ज़्यादा इसके अंदर कुछ ताम झाम नहीं डालती है, लेकिन जो भी डालती है ना भाई वो बहुत ही गजब डालती है। और 40 रुपीज़ के अंदर ऐसी प्लेट, आई थिंक आपकी इवनिंग सॉर्टेड है। कभी भी करोलबाग आओ ना तो मेट्रो से उतरना, और गेट नंबर 1 से जब आप नीचे आएंगे तो वहाँ पे आपको ये सामने जूस कॉर्नर दिखेगा, और उसके आगे ये पास्ता वाली आंटी होगी। भाई बहुत ही क्रेजी पास्ता बनाती है, एक बार आना खाना और बताना कि आपको हमारी ये रिकमेंडेशन कैसी लगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। बहुत ही बढ़िया पास्ता है भाई। तो भाई अगर आप भी मेरी तरह देसी पास्ता खाने के शौकीन हैं तो आज ही जाइए इन आंटी के पास, और आपने देखा कि कितने बेहतरीन तरीके से जो है ये प्रिपरेशन करती हैं। मोमोज की चटनी भी इसके अंदर है, उसके बाद ओरिगैनो भी इसके अंदर है, चिली फ्लेक्स भी इसके अंदर हैं, वेजिटेबल्स भी इसके अंदर है, और इसकी कीमत है मात्र 40 रुपये की हाफ प्लेट। तो मतलब 40 रुपये में वो शाम की जो भूख है ना वो आपकी पूरी हो जाएगी। और हाँ, अगर आपने देसी पास्ता खाना है तो आई डोंट थिंक सो कि दिल्ली में इससे बेहतरीन देसी पास्ता आपको और कहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वाद है, बहुत ज़्यादा चटकारा है, और ऊपर से जो वो क्रीम या मेयोनीज डालती है ना, मुझे नहीं पता क्यों बट वो इस पास्ता की ना शोभा को बढ़ा देता है। अगर आपको लगता है कि ये पास्ता दी बेस्ट है तो कमेंट्स में जाके बताइए, और अगर आपको लगता है कि इससे बेहतरीन देसी पास्ता भी और कहीं मिलता है ना तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। जाइए, खाइए और बताइए आपको मेरी ये रिकमेंडेशन कैसी लगी।